फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। और छोले के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बता दूं। छोले के लिए सबसे मैंने ये चने लिए हैं, जिनको मैंने भिगो के बॉईल किया हुआ है। ये मैंने रात भर इसको पानी में भिगो के रखा है। जब ये फूल गए तो इनको मैंने बॉईल किया है। बॉईल करने के लिए कुकर में लगभग एक गिलास पानी और ये एक कप चने मैंने भिगोए थे जो फूल के, थोड़ा डेढ़ दो कप हो जाते हैं। ये मैंने इसमें एक गिलास पानी में इसको बॉईल किया है। कुकर में दो सीटियाँ लगाई हैं और साथ में इसमें एक चुटकी सोडा और आधा स्पून नमक भी मैंने डाला था, जिससे ये फूटे नहीं। और साथ में मैंने लिया है योगर्ट यानी दही। दही ये लगभग 1 टेबल स्पून है। इसके साथ ही जो सब्जियां मुझे चाहिए वेजिटेबल्स, उनमें मेरे पास है, मैंने 2 बड़े प्याज ये मैंने क्रश किए हुए हैं। साथ में जिंजर है, लगभग 1 इंच जिंजर यानी अदरक ये मैंने क्रश किया हुआ है। गार्लिक ये भी लगभग 20 से 22 जवा गार्लिक थी जो मैंने क्रश किया हुआ है। 4 हरी मिर्च ये मैंने क्रश किया हुआ है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर ये मैंने क्रश किया हुआ है। इसके साथ जो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे उनमें है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ये 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, ये एवरेस्ट का मैंने छोला मसाला पाउडर लिया है, छोला मसाला ये 1.5 टीस्पून मैंने ये भी लिया हुआ है। आप कोई भी जो आपको पसंद हो उस तरह का छोला मसाला यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। आप कलर के लिए चाहें तो कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने जो लिया हुआ है ये एक्चुअली कश्मीरी मिर्च है तो इससे कलर आ जाएगा। दूसरा मैंने लिया है सॉल्ट, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक यूज़ करें यानी सॉल्ट। ऑयल हमें 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल चाहिए, आप कोई भी तरह का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। एंड फ्रेंड्स, ये मैंने पैन में तेल ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। जितनी देर ये गर्म होएगा उतना देर हमें वेट करना है। तेल गर्म होने पर इस पर हम इन्ग्रीडियंट डालना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है। एक इंग्रेडिएंट जो मैंने पहले आपको नहीं बताया है वो है हींग, जो हम इसमें डालेंगे। साथ में 2-3 लीव्स आप तेज पत्ते की डाल सकते हैं जस्ट फॉर टेस्ट। हींग का तड़का ज़रूर देना चाहिए छोले में, क्योंकि छोले थोड़ा सा हैवी होते हैं और हींग का तड़का देने से थोड़ा डाइजेस्टिव हो जाते हैं। और अब हमें इसमें ऐड करना है जिंजर, साथ में गार्लिक, इसे बहुत आराम से चलाते रहना है कि ये नीचे चिपके नहीं बिल्कुल भी। लगभग 30 सेकंड इसको हमें चलाना है, फिर हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, लगभग 30 सेकंड हो चुके हैं, अब हम इसमें ऑनियन जो हमारे क्रश किए हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। हमें ऑनियन को भूनना है अच्छे से। साथ में ग्रीन चिली जो हमारी है वो हम इसमें डालेंगे। मैंने पहले ग्रीन चिली इसलिए नहीं डाली है कि अक्सर पहले ग्रीन चिली डालने से क्या होता है, ये काली हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा जल जाती हैं। बाद में डालने से इनके जलने की संभावना कम रहती है और जो स्वाद बिगड़ता है वो नहीं होता, इसीलिए मैंने ग्रीन चिली इसमें बाद में डाली है। हमें इसको लगभग ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है, क्योंकि प्याज जब तक अच्छे से ब्राउन नहीं होंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे, वो ढंग से पकेंगे नहीं और फिर दांत के नीचे आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमें इसको अच्छे से पकाना है प्याज को इसमें, और चलाते भी रहना है साथ में। आप देख सकते हैं हमारा जो प्याज है ओनियन वो धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, बट इसको हमें अच्छे से ब्राउन करना है, इसलिए इसको हम चलाते रहेंगे लगातार। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और काफ़ी हद तक ये पक भी चुका है। अब टाइम है इसमें स्पाइसेस ऐड करने का, तो जो कि हमने पहले से ही नाप के रखे हुए थे सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको पहले बताए थे,
तो हमें इसमें एक साथ ही सारे डाल देने हैं, ऐसा नहीं कि एक एक करके डालना है, ये सारे स्पाइसेस हमें इसमें एक साथ ऐड कर देने हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, मैं अपने स्वाद के हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से ज़रूर डालें। इसको हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना है कि मसाला जलना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और ये एक मिनट हो चुके हैं दोस्तों। इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 1 कप ऑफ वाटर और अब इसको हमें कम से कम तब तक भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। जब तेल ऊपर दिखने लगेगा फिर इसमें हम टमाटर और योगर्ट यूज ऐड करेंगे और दोस्तों ये आप देख सकते हैं लगभग मैं 2 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए, हल्का हल्का सा ही मुझे ऑयल भी दिखने लगा है मसाले में। अब टाइम है टमाटर ऐड करने का जो मैंने क्रश करके रखा हुआ था, एक बड़ा टमाटर मैंने क्रश करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं फिर कम से कम 3 से 4 मिनट तक भूनना है अच्छे से। एंड फ्रेंड्स टमाटर डाले हुए हमें लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया हुआ है, काफ़ी अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो रहा है। अब हमारा टाइम है इसमें हमें दही ऐड करना है, 1 टेबल स्पून मैंने बोला था। दही ऐड करते हुए ध्यान रखना है कि हमें इसको चलाते रहना है जिससे थक्के में जले नहीं और इसको हम अच्छे से चलाएंगे जब तक दही पूरी तरीके से इसमें मेल्ट ना हो जाए। एंड फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं दही हमारी एकदम से इसमें मेल्ट हो गई है, दिख भी नहीं रही और तेल भी हमारा ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स ये टाइम है जब हम इस पर काबुली चने ऐड करेंगे और ये जो हमने चने बॉईल करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिलाना है और मिलाने के बाद हमें इसको ढकना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए कि ये अच्छे से मसाले को आप चने अपने अंदर सोक कर लें और ये हमने ढक दिया 3 से 4 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स लगभग 4 मिनट हो गए हैं, अब हम एक बार से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं छोले हमारे बहुत अच्छे से बन रहे हैं और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 ग्लास ऑफ वाटर, आधा ग्लास पानी हमें डालना है ये हमारे एकदम गाढ़े और बहुत ही अच्छे दिखने वाले छोले तैयार हो रहे हैं आप देख सकते हैं। अब हमें इसको कम से कम 10 मिनट तक और पकाना है जब तक इसमें खूब अच्छे से बॉयल ना आ जाए। एंड फ्रेंड्स लेट्स सी कि हमारे छोले कैसे बने हैं। ये लगभग 15 मिनट हो गए हमें, 10 से 15 मिनट के करीब हो गया है इसको पकते हुए और ये देखिए पूरी तरीके से हो चुके हैं। नाउ इज द टाइम फॉर द गार्निशिंग, इसको हम प्लेटिंग करेंगे और गार्निश करेंगे। और अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में और अब आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर आया है छोले का और थोड़ा इसको हम और खूबसूरत करेंगे बाय कोरिएंडर लीव्स और बीच में एक पुदीने की पत्ती और ये आपका
छोला रेडी है दोस्तों, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए। मेरी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। आप इसके साथ पूड़ी, भटूरे, पराठे जो भी चाहें वो ऐड करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक इट माई डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।